We are doing chapter Towns and Traders. Yesterday you have read about different communities of traders. You have read about the communities of weavers, craft persons, okay? And you have read about administrative towns, temple towns, and then you have read about small towns, smaller towns, network of small towns. And then about traders. Traders were given protection by rulers, and in return, traders had to pay taxes. ये सब आप पढ़ चुके हो, different communities पढ़ चुके हो आप. Today we are going to read about Hampi, Surat, Masoli, Patnam. Now let's begin with architectural splendor of Hampi. Hampi is located, सबसे पहले तो हम्पी की लोकेशन बतानी चाहिए. Hampi is located in Krishna Tungabhadra basin. Is it clear? Hampi, Krishna Tungabhadra basin में. Basin पता है? Area drained by river and its tributaries. Area drained by river and its. और यहां पे मैं किस river की बात कर रही हूँ? Krishna river. तो हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन विच फॉर्म्ड. अब यहाँ पे मेन सेंटर जो है ना विजयनगर एम्पायर. हम्पी जो है ना कैपिटल सिटी थी विजयनगर एम्पायर की, जो कि विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336. विजयनगर एम्पायर का आपको ईयर पता होना चाहिए 1336. हम्पी, हम्पी इज लोकेटेड इन विच बेसिन? कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. एंड विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड इन 1336. अब हम्पी जो है ना सेंटर, हम्पी जो है ना इसका डाउनफॉल, डिक्लाइन हो चुकी है ये, ठीक है? हम्पी जो है ना रुइंड, अब ये रुइंड सिटी है, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन फेस कर चुकी है. हम्पी वेल फोर्टिफाइड सिटी होती थी. अब जब ये बना तो नो मोर्टर एंड सीमेंट वाज यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन. व्हाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन नो सीमेंट नो मोर्टर वाज यूज्ड. सोचो उसके बिना बनी ये. अब वॉल्स एंड टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग पैटर्न. ये देखो ये जो ब्रिक्स हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न से इन्हें जोड़ा हुआ है. ब्रिक्स को देखो इंटरलॉकिंग पैटर्न, जैसे अभी भी घर बनाते हैं तो इंटरलॉकिंग पैटर्न ही यूज करते हैं वो. तो आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव. द बिल्डिंग इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैज स्प्लेंडेड आर्चेस, डोम्स, पिलर्ड हॉल्स, ये सब था वहां पे. इसके हम्पी में सबसे पहले तो वो कहते हैं डोम, आर्चेस, पिलर हॉल्स, ये सब कुछ था. फोर्टिफाइड सिटी थी ये हम्पी एंड फेस्ड रुइंड, रुइन तबाह हो चुकी है ये. दे आल्सो हैड वेल प्लान्ड ऑर्चर्ड्स. ऑर्चर्ड्स पता है फ्रूट गार्डन्स, फ्रूट गार्डन्स. अब वहां पे फ्रूट गार्डन्स भी थे एंड प्लेजर गार्डन भी थे. वहां पे ऑर्चर्ड्स भी थे, फ्रूट गार्डन्स एंड प्लेजर गार्डन्स. अब यहाँ पे 15-16 सेंचुरीज की बात अब हम करेंगे. हम्पी जो था ना पहले एक बिजिएस्ट सिटी आप कहोगे, ठीक है? कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे. इट वाज बिजिएस्ट सिटी एंड लॉट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज वर डन इन दिस सिटी. हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 15 और 16 सेंचुरी की बात. तो तब हम्पी कैसी सिटी थी? वेरी बिजिएस्ट सिटी, बहुत यहाँ पे कह लो ग्रेट पॉम्प एंड शो, यहाँ पे रौनक थी. कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे, ट्रेड एक्टिविटीज. अब यहाँ पे मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्चुगीज,
ये सब लोग हम्पी की मार्केट्स में आते थे. कौन कौन? मुस्लिम ट्रेडर्स, चैटिस एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स. पोर्चुगीज कल मैंने बताया था, यूरोपियन ट्रेडर्स, फर्स्ट यूरोपियन पावर दैट केम टू इंडिया, पोर्चुगीज. ये सब किस सिटी में आते थे फॉर ट्रेड पर्पजेस? हम्पी. कौन सी सेंचुरी? 15 and 16. अब एक मिनट, हम्पी बेसिन बताना. लोकेटेड इन विच बेसिन? कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. व्हाट यू मीन बाय बेसिन? एक मिनट, हम किस बेसिन में रहते हैं? वी आर लिविंग इन विच बेसिन? सतलुज बेसिन. आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? सतलुज बेसिन. अब अपने आप क्लियर हो जाएगा. मीन्स हमारी हमारा जो एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाय रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. हम सतलुज बेसिन में रहते हैं. जो लोग, अब मैं कहूँ अमृतसर वाले, वो किस बेसिन में रहते हैं? ब्यास. ब्यास इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, ठीक है ना? बट वो लोग वहां रहते हैं. वी आर लिविंग इन सतलुज बेसिन. अब अगर मैं बोलूं हरिद्वार वाले लोग, वो किस बेसिन में रहते हैं? गंगा बेसिन. गंगा बेसिन. दिल्ली वाले? यमुना. तो बेसिन इज एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. वी आर लिविंग इन हम्पी. इन विच बेसिन? कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. अब मैंने बोला कि हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी थी, ठीक है? विजयनगर एम्पायर वॉज सेट अप इन 1336. अब विजयनगर एम्पायर की ये कैपिटल सिटी, नाउ इट्स अ रुइंड सिटी. रुइंड है, खंडर बन चुकी है ये. अब यहाँ की जब कंस्ट्रक्शन हुई, फोर्टिफाइड एरिया था, कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या नहीं यूज किया गया? सीमेंट एंड मोटर ब्रिक्स जो एडजॉइन की गई इन इंटरलॉकिंग पैटर्न से. अब हम बात कर रहे हैं 15 टू 16 सेंचुरी, देन हम्पी वाज बिजीएस्ट कमर्शियल सेंटर. ट्रेडर्स सच एज, कौन कौन से ट्रेडर्स? मुस्लिम ट्रेडर्स, चैटिस, देन पोर्चुगीज ट्रेडर्स केम हम्पी फॉर ट्रेड पर्पजेस. इतना आ गया. नेक्स्ट, अब टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज. यू हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स. टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन दोज डेज, टेम्पल्स बिकेम द हब ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. पढ़ा है ना ये पहले भी, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी टेम्पल्स में. देवदासेस परफॉर्म्ड. अब देवदासेस डांस करती थी, डांसेस. दे परफॉर्म्ड डांसेस बिफोर देयर डेटेस रॉयल्टी एंड मासेस इन मैनी पिलर्ड हॉल्स. अब आपने कई बार मूवीज में देखा आएगा देवदासेस परफॉर्म्ड डांसेस. या तो वो अपने देवी देवताओं के आगे, या फिर रॉयल पैलेस में, वहां पे जैसे रूलर है, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, तो वहां पे डांसर्स अपने डांसर्स परफॉर्म करती थी, ठीक है? उनको कहते थे देवदासेस. समटाइम्स दे परफॉर्म देयर डांसेस बिफोर देयर डेटेस और बिफोर रूलर्स एंड मासेस इन द पैलेस और इन द टेम्पल्स. तो देवदासेस के बारे में अगर पूछूं तो कैन यू राइट? डांसर्स जो होती थी दैट परफॉर्म देयर डांसेस बिफोर डेटेस और बिफोर रूलर्स एंड मासेस. तो देवदासीज होती थी वहां पे, पिलर हॉल्स में इनके डांस वगैरह होते थे. एंड वीरूपक्षा अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल. अब आपसे पूछा जाए वीरूपक्षा टेम्पल जो है दैट इज द टेम्पल ऑफ विच लॉर्ड? वन मोर क्वेश्चन, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश. चलो शिवा टेम्पल. एंड नेक्स्ट महानवमी, अभी वही चल रही है नवरात्रे. महानवमी फेस्टिवल नोन टूडे एज नवरात्रि इन साउथ इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी. अब हम्पी में कौन सा फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते थे? वो नवरात्रि. नवरात्रि महानवमी हम्पी का मेन फेस्टिवल था. वो हम्पी तो अब क्या हो चुकी है? इट्स अ रुइंड सिटी, खंडर बन चुकी है. तो हम्पी का मेन फेस्टिवल अगर मैं पूछूँ तो विच इज? महानवमी, नवरात्रि. तो वहां पे बहुत धूमधाम से वो मनाते थे.
Archaeologists have, अभी मैं हम्पी के बारे में few lines बोलूंगी कि आप टू स्पीक. Archaeologists have found the Mahanavmi platform where king received guests and accepted tribute from the subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performances as well as wrestling bouts. अब वो कहते हैं वहां पे ना आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये खंडर नहीं हो गई, तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे क्या मिली है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स. उन प्लेटफॉर्म्स पे वो कहते हैं कि रूलर्स जो थे वो वहां बैठते थे, वहां पे उन्हें गिफ्ट्स आते थे. ड्यूरिंग द नवरात्रि लोग गिफ्ट्स लेके आते थे फॉर रूलर्स, और साथ में उन्हें ट्रिब्यूट्स, हु पे ट्रिब्यूट्स टू द रूलर्स, सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स पता है ना, लेस पावरफुल जो होते थे, दे पे ट्रिब्यूट्स टू द रूलर्स एंड रूलर्स आल्सो एक्सेप्टेड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल ऑन दैट प्लेटफॉर्म. और वहां पे वो कहते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के रूलर्स एंजॉयड डांसेस परफॉर्म्ड बाय देवदासेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवरात्रीज. इतना आ गया. आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले वहां पे, प्लेटफॉर्म्स. उन प्लेटफॉर्म्स पे कौन, उन्हें उन्होंने कहा कि कौन बैठते थे, रूलर्स, एंड दे एक्सेप्टेड गिफ्ट्स एंड समटाइम्स ट्रिब्यूट्स गिवन बाय देयर सबॉर्डिनेट्स एंड देन they also watched dances performed by devdasis on that platforms. So ye unhone bataya hampi mein jo ne different platforms mile hain archaeologists ko. Next, hampi fell into ruin. Ab ye khandar banti chali gayi following the defeat of vijayanagar in 1565 by deccani sultans, the rulers of golconda, bijapur, ahmednagar, बेरार एंड बिदर. तो हम्पी रोइंड जब विजयनगर एम्पायर डाउनफॉल हो गया विजयनगर एम्पायर का, तो हम्पी मेट विद, हम्पी का क्या होना शुरू हो गया, डाउनफॉल. कौन आ गए अब वहां पे, विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ एंड हम्पी फेल इनटू रोइन. अब वहां पे कौन आए, रूलर्स ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदर, ये वाले रूलर्स आ गए, ठीक है. एंड हम्पी मेट विद रोइन. अब एक मिनट, हम्पी किसके पीरियड में फ्लरिश कर रही थी, नेम द किंगडम, विजयनगर. किसके पीरियड में, विजयनगर एम्पायर वाज सेट अप इन, जब विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो हम्पी मेट विद ruin. अब डाउनफॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन विच ईयर, 1565, विजयनगर एम्पायर हैड इट्स डाउनफॉल एंड हम्पी मेट विद, 1565 एंड हम्पी मेट विद ruin. नाउ इज इट क्लियर. अगर मैं हम्पी की लोकेशन पूछूं तो आप बता सकते हो किसके पीरियड में फ्लरिश की, विजयनगर एम्पायर, कौन से ईयर में, 1336. फिर आपको ये बताना है कि वहां पे ये हम्पी जो है ये पहले बहुत एक बिजिएस्ट टाउन था, सिटी थी, यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज होती थी. कौन ट्रेडर्स थे, मुस्लिम ट्रेडर्स, चेटिस एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स, कमर्शियल सेंटर था, फेमस थी. और फिर आपने बताना है वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को पिलर्ड हॉल्स मिले हैं, प्लेटफॉर्म्स मिले हैं. उन्होंने वहां से गैस लगाया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे रूलर्स यहाँ तो नवरात्रि के टाइम क्या लेते होंगे, गिफ्ट्स या फिर ट्रिब्यूट्स फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स, और साथ में दे वॉच द डांसेस परफॉर्म बाय देवदासेस. तो ये सब उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला. बाद में हम भी मेट विद रोइन विद द डाउनफॉल ऑफ विच एम्पायर, आपको इतना याद रखना बस हम्पी के बारे में. नेक्स्ट, लेट्स रीड अबाउट सूरत. सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलोंग विद कैम्बे, प्रेजेंट डे खंबार. सूरत इन विच स्टेट, अब ये क्या रह चुका है, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड. एम्पोरियम मीन्स प्लेस वेयर
goods from diverse production centers are bought and sold. What do you mean by emporium? A place where goods from diverse production centers are bought and sold. Different places से जहां पे आके goods बिकती भी हैं और खरीदी भी जाती हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे? Emporium. अब emporium किसको कहा उन्होंने? सूरत को. क्या बोला सूरत को? सूरत इन गुजरात. अब क्या था emporium of western trade during Mughal Empire? सूरत was known as emporium of western trade during, चलो कोई बात नहीं मैं अभी पूछूंगी, मुगल पीरियड along with कैम्बे, आज की डेट में हम क्या कहते हैं? खंबात. याद है गल्फ ऑफ खंबात पर ये सब आप पढ़ते हो. अहमदाबाद, सूरत वाज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मज. सूरत हैज आल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर. आप सूरत को देखो क्या क्या कहते हैं, यू हैव टू लर्न. सबसे पहले तो सूरत इन Known as emporium of western in के पीरियड में. सूरत इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू मक्का. वाई? मैनी पिलग्रिम शिप्स यहाँ से स्टार्ट होते थे. यहाँ से कितने पिलग्रिम शिप्स यहाँ से, इस यहाँ के पोर्ट से, सूरत पोर्ट से लोगों को, पिलग्रिम्स को मक्का मदीना लेके जाते थे. इज इट क्लियर? सूरत इज नोन एज गेटवे टू मक्का क्योंकि यहाँ से मुस्लिम्स जो थे वो हज करने के लिए यहाँ से शिप्स जाते थे सूरत से. देयर इज, सूरत इज अ पोर्ट सिटी. पोर्ट है यहाँ पे, सूरत इज अ पोर्ट सिटी. अब ये पोर्ट सिटी डिक्लाइन हो जाएगी. हम्पी डाउनफॉल हुआ, हम्पी का, हम्पी मेट विद रुइन. सूरत का भी डाउनफॉल होना. नाउ लिसन, अब सिटी जो थी ना सूरत सिटी, दैट वाज कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट ट्रीड्स लिव्ड देयर. बहुत बड़ी सिटी जहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते थे. इन 17th सेंचुरी पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, यू हैव रेड अबाउट दीज ना, पोर्चुगीज, डच, बीच में से कौन मिसिंग है? फ्रेंच. वेरी गुड. पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, ये सब हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज गोडाउन इन सूरत. वर्कशॉप्स होती हैं, हैड देयर वेयर हाउसेज इन सूरत. सारी डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के वहां पे वेयर हाउसेस भी थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर. अब उनके नाम बताए हुए, ओबिंगटन. हु इज ओबिंगटन? इंग्लिश क्रॉनिकलर. अब इसने क्या लिखा इस पोर्ट सिटी के बारे में? इन 1689 एवरेज ऑफ 100 शिप्स टू डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड anchored to the port at any given time. There are several retail and wholesale shop. वो कहता है यहाँ से कितने ships जाते थे सूरत से, और यहाँ पे बहुत सारी shops थी. जैसे हम्पी एक busiest center था trade का, सूरत में भी बहुत सारी wholesale shops थी, retail shops थी. Cotton textile famous था वहाँ का. अभी भी तो सूरत is famous for cotton industries ना, अहमदानगर. तो अहमदाबाद, सॉरी, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड, गोल्ड लेस बॉर्डर. जरी वाली साड़ीज आपके मम्मा पहनते होंगे, गोल्ड बॉर्डर लेस साड़ीज. आपने घर में कपड़ में देखना, जरी वाली साड़ीज होंगी. आप अपने मम्मा को कहना, वो आपको दिखाएंगे. सूरत उन साड़ीज के लिए फेमस रहा है, जरी वाली साड़ीज, गोल्डन बॉर्डर लेस साड़ीज. सूरत उस बात के लिए फेमस है. तो यहाँ पे ये साड़ीज भी, और साथ में इनकी मार्केट है ना, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड मार्केट. द स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउसेस टू टेक केयर ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी. यहाँ पे रेस्ट हाउसेस बने हुए थे क्योंकि यहाँ पे कौन आते थे? ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कहाँ कहाँ से ट्रेडर्स आ रहे हैं? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे ट्रेडर्स आ रहे हैं. That's why in this city there were various rest houses where these traders took rest.
अब यहाँ पे मैग्निफिशियंट बिल्डिंग्स, ठीक है, पार्क्स थे वहां पे, काठियावाड़ सेठ्स ऑफ महाजन्स मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। अब यहाँ पे इन महाजन्स जो थे ना, काठियावाड़ के जो महाजन्स थे उनके वहां पे महाजन्स होते थे, वो क्या करते थे, मनी कन, अभी भी तो लोग चेंज करवाते हैं, करेंसी आके करवाते हैं नहीं दूसरी कंट्री में। अगर आप कनाडा जाते हो आप करेंसी कन्वर्ट करवाते हो ना पहले अपनी, या आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो करेंसी, तो वही वो महा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से ट्रेडर्स आते थे, तो वहाँ पे महाजन्स, ठीक है, काठियावाड़ महाजन्स होते थे जो मनी चेंजर्स होते थे, मनी चेंज करते थे, करेंसी कन्वर्ट करते थे। ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत, इट इज नाउ वर्दी दैट एट सूरत फंडीज वर ऑनर्ड इन द फियर ऑफ मार्केट ऑफ एरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। ये जगहों के नाम है नोवट फंडी। इट इज अ नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन, द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने हुंडी क्या होती थी, हुंडी की कहते बहुत पॉपुलर रही है इनका, हुंडी का क्या करते थे ये लोग, जो मनी, जैसे आप गए हो किसी दूसरी कंट्री तो आपने वहां पे मनी डिपॉजिट की, ठीक है, और वो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और जब आपको वहां पे जाके आप वो लेते हो मनी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है जितना आपने डिपॉजिट की। मीन्स उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि पर्सन हैज पेड सच अमाउंट, अब इसका इतना डिपॉजिट इसने करवाया था, इतना हमारे पास आ चुका है, अब अगर पर्सन को आगे यहाँ पे पैसा उसने क्लेम करना है, उसको वहां जाके चाहिए, तो उसको जो उसने डिपॉजिट करवाया उससे वो मिल जाएगा। तो ये हुंडी। नेक्स्ट, सूरत बिगिन टू डिक्लाइन। अब मैंने बोला था सूरत का भी डाउनफॉल हुआ। सूरत वॉज द बिजिएस्ट पोर्ट बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। यहां से इसको हम गेटवे टू मक्का भी बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कितने शिप्स किधर जाते थे, मुस्लिम पिलग्रिम्स को हज के लिए लेके जाते थे। सूरत फेमस था फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, यहाँ से टेक्सटाइल फॉरेन कंट्रीज में जाती थी, फॉरेन टेक्सटाइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाती थी, ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू सूरत, रेस्ट हाउसेस थे वहाँ पे, मनी चेंजर्स होते थे वहाँ पे, ठीक है, हुंडी, कितना आपने उस कंट्री में, जैसे आप कोई पर्सन अफ्रीका से आया सूरत में, उसने फॉरेन टेक्सटाइल खरीदनी, तो फर्स्टली पर्सन डिपॉजिट दैट मनी इन सूरत, एंड देन वहां आके क्लेम कर लेगा कि मैंने इतने पैसे पहले से ऑलरेडी जमा कराए, आप मुझे दे दो, मैंने शॉपिंग करनी है, तो ऐसे हुंडी थी वहां पे। तो नेक्स्ट आप बताओगे कि सूरत डाउनफॉल, सूरत का भी डाउनफॉल हुआ। सूरत मेट विद दैट्स डाउनफॉल व्हेन ब्रिटिश केम, दे सेट अप देयर ओन पोर्ट्स, उन्होंने अपने पोर्ट सेट अप किए, दे सेट अप देयर ओन पोर्ट्स, एंड सूरत का डाउनफॉल होना शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने खुद के पोर्ट सेटअप किया एट बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास। खुद के पोर्ट्स जब ले आए तो वो चाहेंगे इंडियन पोर्ट्स फ्लरिश करें, नो, सूरत पोर्ट डाउन हो गया। अब सूरत से कोई भी ट्रेड एक्टिविटीज ब्रिटिश, क्योंकि खुद के पोर्ट्स नए सेटअप कर चुके थे, कौन से पोर्ट्स ब्रिटिश के थे, बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास, ब्रिटिश सेटअप देयर ओन पोर्ट्स, एंड कौन से पोर्ट्स थे ब्रिटिश के, बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास। आपको मैं पुराने नाम बोल रही हूँ, पुराने ही बोलने हमने, ना तो मुंबई बोलना है, ना ही कोलकाता बोलना है, ना ही चेन्नई बोलना है, हम पुराने नाम बोल रहे हैं, मैं पुराने करवा रही हूँ, पुराने ही करने हैं यहाँ पे। बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास किसके पोर्ट थे, ब्रिटिश, तो सूरत वाज इंडियन पोर्ट। अब सूरत से अर्लियर ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत वाज, लिसन केयरफुली, जो व्यापार सूरत से पहले 16 मिलियन रुपीज का होता था ना, अब ब्रिटिश के आने से वो रह गया 3 मिलियन रुपीज ओनली, इतना डाउन चला गया सूरत, सूरत पोर्ट की वैल्यू जो थी वो डाउन चली गई, सूरत पोर्ट गॉट डिक्लाइन। जैसे हम्पी मेट विद रुइन, विजयनगर एम्पायर नहीं रही तो हम्पी मेट विद रुइन, सूरत इंडियन ट्रेडर्स का होल्ड नहीं रहा, ब्रिटिश सेट अप देयर ओन पोर्ट्स, तो सूरत आल्सो गॉट, सूरत पोर्ट गॉट डिक्लाइन। जो ट्रेड ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत अर्लियर वाज, कितनी मैंने बोला है, रुपीज 16 मिलियन, नाउ इट लेफ्ट टू ओनली 3 मिलियन,
इमेजिन करके देखो कितना डाउन गया सूरत पोर्ट विद द कम. हाँ जी पुराना अंडर इंडियन इट वॉज 16 मिलियन रुपीज. जैसे ही ब्रिटिश आए तो वो कितनी रह गई, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया इस पोर्ट को डाउन कर दिया. कौन सा पोर्ट फ्लरिश कर गए, विच पोर्ट फ्लरिश अंडर ब्रिटिश. सूरत तो डाउन गया, आओ सूरत फ्लरिश. बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये वाले पोर्ट्स किसके थे. विच सिटी वॉज नोन एज एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड. एम्पोरियम क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पे गुड्स लाके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स आए, बिके भी और खरीदी भी जाए, बिक भी जाए और खरीदी भी जाए, दैट इज नोन एज एम्पोरियम. कुंडी पता है, जहाँ पे आप पहले डिपॉजिट करते हो मनी, जाने से पहले फिर आप वहां जाके क्लेम करके अपनी मनी वापस लेते हो. ठीक है, तो ये सब आपका था. अब रह गया मसौली पटनम. सूरत का भी डाउनफॉल हो गया, सूरत पोर्ट गॉट डिक्लाइन. ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट एंड दैट इज